आपके का सिलेक्शन होने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? कनिष्क कटारिया का IIT JEE में सिलेक्शन होने के बाद में मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप तो आप किस पद पे कार्यान्वित हैं? मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी हूँ और वर्तमान में जिला आबकारी अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ। जी, आपने रेजोनेंस को ही क्यों चूज़ किया और बच्चे को इंजीनियरिंग फील्ड से ही क्यों जोड़ना चाहा? कोटा में जो बेसिकली एक एजुकेशन एनवायरनमेंट है और जो बच्चों की पढ़ाई का स्तर है वो काफ़ी अच्छा है। मैंने जो मेरा पदस्थापन जो कोटा में लिया था इसी उद्देश्य से लिया था कि बच्चों की जो शिक्षा का स्तर ठीक रहे और बच्चे शिक्षा में अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आगे अपना भविष्य बनाए। जहाँ तक रेजोनेंस का प्रश्न है, मैं जो इसके फाउंडर डायरेक्टर है RK वर्मा साहब, उनसे काफ़ी समय से परिचित हूँ और वैसे जो यहाँ का रेजोनेंस का पढ़ाई का स्तर है प्लस बच्चों पर पर्सनल आपके केयर है, टीचर्स का मोटिवेशन है, डेडिकेशन है, वो स्तर काफ़ी अच्छा था। इसलिए मेरा शुरू से ही इच्छा रही है कि बच्चे को रेजोनेंस की कोचिंग करवाएं। कनिष्क का आपको टाइम टू टाइम रिपोर्ट और प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती रही? हाँ, कनिष्क की जो भी का एग्जाम का जो भी एब्सेंट होता था उसकी सारी रिपोर्ट मिलती थी और सारी जानकारी मिलती थी। टीचर्स के बारे में आपका क्या कहना है? टीचर्स भी है ना, कनिष्क को काफ़ी वो गाइड करते थे, सारा जो भी इसका है जो सारे टीचर्स के ऊपर ही जाता शेयर है जो भी जाता है। कनिष्क की टीचिंग मेथोडोलॉजी, मतलब कैसा टीचिंग एटमॉस्फेयर आपको यहाँ पे मिला? रेजोनेंस में क्या रेजोनेंस आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा? निश्चित रूप से मेरी उम्मीदों पर रेजोनेंस खरा उतरा है और जो बेसिकली ये कहना नहीं चाहिए लेकिन चूंकि मैं यहाँ काफ़ी समय से पदस्थापित हूँ और जो एक ब्रांड नेम बंसल के बारे में जो है पूरे भारत में है कि जो भी बाहर का आदमी आता है बंसल का नाम लेता है, लेकिन जो रेजोनेंस का टीचर्स का जो पढ़ाई का एक मेथोडोलॉजी है, जो इनका डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, निश्चित रूप से मैं इसके लिए रेजोनेंस को धन्यवाद देता हूँ और जो MD RK वर्मा साहब है वो उसके साधुवाद के पात्र हैं। और कुछ कहना चाहेंगे रेजोनेंस के बारे में? कैसा आपको पर्सनल केयर के बारे में या टेस्ट्स जो इसके होते रहे टाइम टू टाइम या इसके डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में, क्योंकि ये IP बैच में था? रेजोनेंस का जहाँ तक प्रश्न है तो कनिष्क कटारिया का इस संस्थान से पिछले 4 वर्षों से लगाव है। इसने जो 9th में डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था उसमें तो इसका जो काफ़ी अच्छा इसमें जो स्टडी मटेरियल मिला उसमें 9th में इसको अच्छा सहयोग मिला। 10th में इसको PCCB डिवीजन हमने ज्वाइन कराया और जो PCCB डिवीजन में जो पढ़ाई थी और जो इसके टेस्ट वगैरह होते थे, जो भी कमियां इसके रहती थी उसको टाइम टू टाइम बताते थे और जो टीचर्स का एक गाइडेंस इसको मिलता था वो काफ़ी इसके लिए अच्छा रहा। तो 10th में इसने जो PCCB डिवीज़न ज्वाइन किया उसका ये परिणाम रहा कि NTSC में इसका सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा एक डेस्टिनेशन जो प्रोग्राम कंपटीशन हुआ था उसमें भी इसकी ऑल इंडिया रैंक 4th आई। तो इससे लगा कि रेजोनेंस में जो बच्चों पर एक पर्सनल केयर दी जाती है, बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता है और जो बच्चे ऐसा लगता है कि इनमें एक पोटेंशियलिटी है उन बच्चों को विशेष रूप से पूरे टीचर्स विशेष रूप से ध्यान देते हैं। जहाँ तक IP बैच का प्रश्न है तो कनिष्क का जो परफॉर्मेंस था, जो रेजोनेट का टेस्ट हुआ उसमें अच्छी परफॉर्मेंस रही और उस परफॉर्मेंस का परिणाम रहा कि कनिष्क को स्कॉलरशिप रेजोनेंस से मिली। मुझे कहने में कोई दोराय नहीं है कि जो रेजोनेंस है उस संस्था का जो होशियार बच्चे हैं या ऐसे बच्चे हैं जो अपने फी सपोर्ट नहीं कर पाते, उन बच्चों को जो स्कॉलरशिप देके और जो पढ़ाई का एक माहौल दिया जाता है, उनको जो एक फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, निश्चित रूप से रेजोनेंस ही एक ऐसी संस्था है जो इस तरह की कार्रवाई कोटा में कर रही है। और ओवरऑल आप पूरे इससे संतुष्ट थे? एनवायरनमेंट भी आपको कंड्यूसिव मिला, मतलब स्टडी एनवायरनमेंट वाज कंड्यूसिव इनफ? निश्चित रूप से मैं इससे संतुष्ट हूँ और मैं तो जो भी हैं मेरे मिलने वाले हैं जो कहते हैं उनको मैं कहता हूँ कि भाई रेजोनेंस में आगे एक बार पढ़ के देखिए, यहाँ टीचर्स का कमिटमेंट है, जो एनवायरनमेंट है और बच्चों पर जो विशेष केयर की जाती है वो निश्चित रूप से एक अच्छा है और यहाँ जो एक वातावरण मिलता है वो बहुत अच्छा है। टीचर्स के लिए जैसे रेजोनेंस में एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे वो सबको इंक्लूड करते हैं, बच्चे को भी, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, तो आपको ये चीज़ का के बारे में क्या कहना है? मतलब इंटरेक्शन सबका होने से बच्चे की परफॉर्मेंस पे सर्टेनली फर्क तो पड़ता है? निश्चित रूप से जो बच्चे की परफॉर्मेंस है उस पर फर्क पड़ता है। जो पेरेंट्स है उसको टाइम टू टाइम उसके बारे में जो बच्चे की परफॉर्मेंस है उसका पता लगता रहता है। टीचर से आपके इंटरेक्शन होता है, इसके अलावा जो इनका टेस्ट होते हैं और टेस्ट में जो परफॉर्मेंस है उसका पता लगता है और बच्चे को अगर कोई डाउट होता है तो जो डाउट क्लासेज लगती हैं और रेगुलर डाउट क्लासेज लगती हैं उसमें जो बच्चे पढ़ने वाले थे उनको काफ़ी हेल्प मिलती है।
अगर कोई चीज़ उनको क्लास में समझ नहीं आती है तो कभी भी अपने टीचर से पूछ सकते हैं, न केवल क्लास में, न केवल डाउट क्लास में, इसके अलावा भी टीचर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कनिष्क का जहाँ तक प्रश्न है, इसने जब जब भी जिस चीज़ टीचर से सहयोग मांगा, टेलीफोन किया, तो उनकी तरफ से निश्चित रूप से बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला, रेस्पॉन्स मिला। और जो कनिष्क की जो IIT में जो अच्छी रैंक आई है और जो आज परफॉर्मेंस रही है, उसके लिए मैं रेजोनेंस के सभी टीचर्स को श्रेय देता हूँ, और विशेष रूप से आरके वर्मा साहब का विशेष रूप से आभारी हूँ कि जिनके मोटिवेशन और गाइडेंस से कनिष्क आज इस स्थिति में पहुँचा है।